in the airport. So I got this little doll. Wow. Oh, nice. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं फिर आगे हैं हम लोग अपने नए ब्लॉग को लेकर, एंड अगेन इट्स अ ट्रैवलिंग ब्लॉग एंड वी आर एट द एयरपोर्ट, स्टैनस्टर एयरपोर्ट। अब हम जा रहे हैं पोर्चुगल, लिस्बन सिटी। तो चलिए, अभी हमें एयरपोर्ट में अर्ली मॉर्निंग हम लोग कैसे निकले थे कैब से, तो बस अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। हेरिस खा भैया, तो अब गेट नंबर लग चुका है और यहाँ पर गेट पे जाने के लिए शटल्स चल रही हैं। इट्स लाइक अ ट्रैम या मेट्रो ही बोल सकते हैं आप। तो हमारा गेट हमें मिल गया है और यहाँ से बस हमें बाहर निकल कर फ्लाइट नहीं बैठना। द वेदर इज सो कोल्ड टुडे, इट्स रेनिंग आउटसाइड और फॉगी भी है थोड़ा। वी हैव अ फ्लाइट एट 9 o'clock। तो चलिए आपको बाहर दिखाती हूँ। फॉग है। तो हमारा ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिप है 2 दिन का, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा ठंडा नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है। सो लाइट क्लोथ्स ही पहने हुए हैं और बैकपैक के साथ हम लोग निकले हैं एक शॉर्ट ट्रिप इंजॉय करने टू पोर्चुगल। तो चलिए स्टार्टेड, और बिल्कुल बाहर ही प्लेन लगा हुआ है, बिल्कुल भी रश नहीं। बस यहाँ पर लग गया प्लेन और इतना वॉक नहीं कर रहे आज, सो कोल्ड। काव्या, सो चिल, नो यू आर नॉट फीलिंग? ओ नाइस। तो हम बैठे हैं अपनी फ्लाइट में और इज अ सेम फ्लाइट जिससे हम इटली भी गए थे। एंड बड़ा कोइंसिडेंस काव्या, व्हेन यू वेंट टू इटली दैट टाइम आल्सो यू वर वेयरिंग द सेम ड्रेस, एंड टुडे आल्सो इन द सेम फ्लाइट सेम ड्रेस, एंड वी आर गोइंग टू वेयर आर यू गोइंग? चलिए हमारी जर्नी हो गई है शुरू, और हमारा ये ट्रिप कैसा रहता है और वहाँ लिस्बन में क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, बने रहिए। Hello guys, we are in the aeroplane today, so let's get ready to fly. Today we are in the aeroplane, and in this aeroplane is this is the second time I'm in the same aeroplane. I was in Italy, I was in this flight. Now I'm on this flight. How come can this Italy flight go to Portugal? So finally हम पहुँच गए हैं लिस्बन पोर्चुगल, और हमारी 2.5 hours की फ्लाइट थी। काव्या हैड फूड, शी एंजॉयड, सो अभी बस यहाँ से निकल कर हम देखेंगे कैब बस किसके थ्रू हमें जाना है। तो चलिए किसी एयरपोर्ट में टिकट्स के लिए, बेबीज के लिए स्टॉलर्स रखे हुए हैं, लेट यू कैन यूज़ टिल बोर्डिंग गेट तक आप उसको यूज कर सकते हैं। हम आ गए हैं बाहर और काफ़ी रश है, काफ़ी हैविंग फन, हर अच्छी धूप लगी, और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो से। आई थिंक हाफ एन आवर का डिस्टेंस है, सो विल टेक द मेट्रो दो स्टेशन। देखिए वॉल्स पे क्या क्या बने। सो दिस इज द मेट्रो स्टेशन हियर, और स्टार्टिंग में ही यहाँ पर सुवेनियर है शॉप। कम फास्ट, यहाँ के स्टेशन में कुछ खास है कि सब जगह से स्टिकर्स वाले कार्टून्स लगे रहे। ये आगे हमारी मेट्रो में, दिस इज द एयरपोर्ट मेट्रो, और अब
तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने लोकेशन पर और आप देखो एस्केलेटर। बस यहाँ से बाहर निकल कर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारा स्टे। फर्स्ट विल हैव समथिंग एंड देन चेक इन करेंगे। काफी सारे वन बाय वन एस्केलेटर हैं बिल्कुल नीचे एंड नाउ इसके बाद भी एक और है थ्री एंड फोर एस्केलेटर। सो काव्या नाउ यू हैव रीच। ये है स्टेशन के बाहर। आप देखो काफी अच्छी धूप भी लगी है और यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टेशन इज बाइक स्टॉप समथिंग इज गोइंग ऑन हियर। बट देखिए ऐसे ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो हम लोग जाएंगे। यहाँ भी पॉटो की तरह हमें दिख गए हैं ये पॉटिको टाइल्स वाले घर फ्लैट्स बिल्डिंग और अभी यहाँ पर पूरा एक शॉपिंग एरिया। बस यहाँ से अभी हम जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि फुल मार्केट है रेस्टोरेंट्स है। सो वी आर गोइंग टूवर्ड दिस टुक टुक जो आपको पूरा सिटी टूर करवाते हैं और के काफ़ी अच्छे खासे एक्सपेंसिव चार्जेस होते हैं। हम आ गए हैं मैकडी क्योंकि हम दोनों हैं वेजिटेरियन सो लकली यहाँ पर हमें मिल गया है मैक वेजीज एंड हैप्पी वेज मील। Because I still like carbs. Kavya is having her veggie burger. So where is daddy? Another restaurant. He is not like so. So he went to another. But a long walk I asked him to eat bread, but he's not. So he will enjoy his fortune meal. Okay, Baba, and there's a beautiful guitar. And our house is just walking distance of 5 minutes. तो चलिए पहले वहाँ पहुँचते और फिर मैं आपको एक क्विक हाउस टूर दिखाऊंगी। कुछ स्लाइडिंग रोड है नीचे की तरफ जाती हुई डाउन स्ट्रीट में बीच है मिलेनियम जगलिंग। बिल्डिंग के अंदर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी बाहर कैसे दिखती है ये बिल्डिंग। ओके और ऊपर फ्लोर अगर तो है हमारा है थर्ड फ्लोर में रूम। नाइस फ्रेग्रेंस दिस इज अ सोफा कम बेड एंड दिस इज द किचन। डैडी लुक डैडी यू लाइक योर द बेड यू लाइक दिस टाइप ऑफ बेड। सो हियर इट्स अ टीवी एंड आई लाइक एंटर किया और एक छोटी सी बाहर बालकनी एक छोटा सा गैस इंडक्शन माइक्रोवेव यहाँ पर सारे कॉफी चीनी शुगर सब कुछ रखा हुआ है। दिस इज द वॉशिंग मशीन द कटलरी दैट्स अ डस्टबिन एरिया ये है डिश वॉशर एंड द ग्लासेस एंड कप। सो दिस इज किचन कम डाइनिंग एरिया एंड here is the washroom spacious washroom there's a shower cabin oh sorry towels and slipper and this is the bedroom mama oh there's a mirror here I thought there's another room but this is the bedroom and the best thing is the TV again huh and the best thing is the TV again what will you do I'll watch you'll TV. Watch TV only here. Mm-hmm. So
सो दिस या क्वाइट स्पेशियस, काफ़ी ऊंचा भी है एंड नाइस रूम. ये है बालकनी से रोड साइड फ्लैट्स का व्यू और बाहर से आप देखेंगे बिल्डिंग तो बिल्कुल ही इसी तरीके की, जो सामने बिल्डिंग है बस इन्हीं तरीके की है. लेकिन अंदर से काफ़ी ब्यूटीफुल है. ये घर बहुत स्पेशियस है और बुक वॉकर हम निकल चुके हैं अपने इवनिंग वॉक के लिए एंड अभी मेरे पीछे आप देखेंगे जैसे ट्राम रोड जिसमें बसेस कार ट्राम, यहाँ से ट्राम आ रही है एंड दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्शन ऑफ लिस्बन. तो अभी जब आएगी इस रोड पे तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी. चर्च यहाँ पर आप सिटी टूर के लिए ऑटो, थोड़ी सी स्पेशल काइंड ऑफ जीप, हमारे सब यहाँ पर लगे हुए हैं. कहते हैं चर्च और म्यूजियम अभी अंदर जाके हम लोग देखते हैं. देखिए पूरा अप हिल डाउन हिल, इस पर ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. ब्यूटीफुल. ये है लिस्बन का कैथेड्रल. हेलो, बी अ लिटिल क्वाइट इन द ब्लॉक. यू सी वी हैव टू टॉक क्वाइट बिकॉज़ या बिकॉज़ इट्स अ चर्च. या कम एंड टू प्रेयर. काफी पुराना चर्च है और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है. उस तरीके से मेंटेन नहीं किया तो पता चल रहा है काफ़ी पुराना, काफ़ी लोग इसको देखने आ रहे हैं. इनफैक्ट टिकट लगी हुई है. चलिए ऊपर चलते हैं फिर वहाँ से देखते हैं. अगर वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर जाकर डॉल्फिन्स दिखती हैं. तो वी विल ट्राई टू गो एंड एक्सप्लोर देयर द ब्यूटीफुल कलर हाउसेस. और हम अगर अगेन एक टूरिस्ट स्पॉटर्स के लिए आए पर बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़कर काफ़ी ऊंचा है. यहाँ पर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वॉकिंग कार, वो भी एकदम अप हिल. लुक दैट ग्रीन मार्क्स ऑफ पोर्चुगल जिसके लिए वो फेमस है. और यहाँ ये ब्यूटीफुल से कलरफुल हाउसेस है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. और आगे ये दिख रहा है जो टूरिस्ट स्पॉट जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं. तो चलते हैं देखते हैं क्या है वो. शॉप वाटर कलर्स पेंटर्स, यहाँ बहुत सारी ऐसे ब्यूटीफुल कैसल एंड द चर्च पोर्चुगल. गेट आइसक्रीम शॉप सवर्ण शॉप बिहाइंड द कैसल. देखते हैं हमारा टर्न कब तक आता है और कितने बजे तक कैसल खुला हुआ है. अभी हम आ गए हैं कैसल. हेलो गाइस, माय स्नेक इज स्पार्कलिंग. या सो स्पार्कलिंग बिकॉज़ आई
tried my lip gloss. And all over your face. Because it's healthy for our face. Okay. It's healthy for my face. Nice, see? A beautiful bridge. And my daddy, he took it away. You took it away from me. So, I'm a little sad because you took it away. Look at this beautiful view from the castle. Beautiful bridge. Oh, wow. Red red houses. So look at this beautiful view of Portugal, Lisbon. And this is the main attraction of Lisbon. Dekho piche pure red red. And it's a sunset time. It's looking more beautiful now. This is the beautiful Portugal. And abhi hame थोड़ा जल्दी हो रही है क्योंकि ये 6 o'clock बंद हो जाएगा. अभी 5:15 बाद ही हमने यहाँ एंटर किया है. और यहाँ गाना का मुझे अपने फ्रेंड के साथ वो खेलने में लगी हुई है. इस टाइप की तो कैसल की और आई थिंक कैसल तो अंदर से बहुत बड़ा है बट कैसल से व्यू आप देखिए तो बिल्कुल नज़र ही नहीं हटेगी. ऐसा लग रहा है कितनी फ़ोटोज़ और कितनी वीडियोस बनाए. फ्लाइट से भी बहुत ही सुंदर लग रहा था ये व्यू. सो ये है कैसल के अंदर ऊपर जाने के लिए. आई थिंक ये बंद कर दिए उन्होंने क्योंकि काफ़ी सारे पिकॉक्स हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ आ रही है. तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर. कैसल तो अंदर से बंद हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो गया है बट यहाँ से बस बाउंड्री से ऊपर इसकी व्यू देखने के लिए बहुत अच्छा है. ये देखिए मेरे पीछे गॉट हर फ्रेंड. उसके साथ काव्या ने पूरा कैसल घूम लिया है. तो चलिए आज पूरा दिन भर हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया है. वॉकिंग टूर कैसल और म्यूजियम चर्च और अभी हम हैं इस ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए यहाँ पर. यू विल हैव समथिंग और उसके बाद फिर यहाँ से हम जाएंगे अपने स्टे पर. तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ. आई होप आपको पसंद आएगा. कल फिर मिलते हैं नए दिन के साथ नई फ्रेश मॉर्निंग. टिल देन बाय बाय. गुड नाइट.